ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਸੇਲ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ तीन खेती कानूनों रद्द करवाने के लिए किसानों के वालों पिछले लंबे समय तो संघर्ष किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई अजिहियां घटनावां भी वापरियां जिस नाल किसानी संघर्ष नूं खराब करने दी कोशिशां कीतियां गईयां, पर किसानों के हौसले नहीं डोले ते ओह अज भी अपनियां मंगां नूं लैके लड़ाई लड़ रहे ने। बीती रात पठानकोट के टोल प्लाजा ते एक घटना वापरी जिथे किसानी मोर्चे तो महज 2 फुट की दूरी ते एक रेत नाल भरिया होया ट्रक हादसाग्रस्त हो गया। हालांकि इस नाल कोई जानी नुकसान तो नहीं होया, पर किसानों के वल्लों शंका जताई जा रही है कि इस साजिश के तहत किया गया। किसानों ने भाजपा से आरोप लगाते हुए कहा कि रात के करीब 12 बजे रेत नाल भरिया ट्रक किसानी मोर्चे तो थोड़ी दूरी से हादसाग्रस्त होया है, जेकर थोड़ी अगे हुंदा तो वड्डा हादसा हो सकता सी। किसानों ने प्रशासन तो मांग की है कि इस घटना की बारीकी के नाल जांच की जाए। राती को 12 बजे का टाइम से जो अं इतने सुते हाँ इधरों गड्डी बहुत ज़्यादा स्पीड के आई आ आन के जिस वे वो खड़खड़ कर दिता पिछे एक सेल जी ही उन्हें डक दी गड्डी डक ली आ साडे नूं करती ये को बहुत वड्डी साजिश रची आ कि इन्होंने बीजेपी आया जो मैनगवालिया ने ता करके सानू मरवाउण वास्ते अद्धे फुट का फर्क रह गया जे अद्धा फुट सेल ना करी आवे तो बंदे सारे मर जाने ही इन्हां दी साजिश आ इन्हां जान बुझ के काम कराया साडे नाल वो 5-6 मुलाजम बैठे ही रेता उन्होंने भी डिगा उन्होंने जुत्तियां अजा भी थले नपिया ने कुर्सियां टुट गई उन्होंने भी अपनी भज के बहुत जोर ना जान बचाई है। फिर राती थाने गए हैं उत्थे भी वो जाके उत्ते सुता ही उन्होंने थले तारिया सानू अपनी बूथी विखा तू कौन आने फिर क्या अं आख्या की होया तेन मैनू यह किसी ने प्यालता कोको कोले के बेच मैं ता करके मैं पता नहीं लगा भाई चलो वेखो झूठ नहीं गल नहीं बार नहीं जान बुझ के काम किया इन्हों लोगों का कसूर है सारा जो ये करवा रहे हैं क्यों अं 7 तरीक मंग पत्र दिता ही 11 तरीक साडा धरना वा ये मैन जा सानू ये मैनग का जाप मैनगवाले का शक उन्होंने पीता भी उन्हें करवाया सब कुछ ने सानू साहब मिलना चाहिए सानू पता लग जाए भी इन किन्ने भेजा किन्ने किया किन्ने साजिश की सानू पता लग जाए अही साडे मन में शांति मिल जाए। उधर दूजे पासे जदों पुलिस नू इस बारे सूचना दी गई तो पुलिस ने मौके ते पहुंच के ट्रक के ड्राइवर नू गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ट्रक के ड्राइवर का कहना है कि उसनू नींद आ गई सी, पर पुलिस दे वल्लों मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। ये लगभग 12-1 बजे की बात है, ये तो जो पठानकोट की साइड से एक ट्रक आ रहा था, ये बड़ा ट्रक है दस्तावेजी एक ट्रक आया और ट्रक एज पर जो ट्रक वाले का जो बयान है उसके अकॉर्डिंग कि भाई इसको नींद आ गई थी और जैसे ही इसने देखा कि भाई आगे ये बैरियर लगा हुआ है तो उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो वो रुका नहीं एंड वो ट्रक वहाँ पे पलट गया जहाँ पे किसान यूनियन का धरना लगा हुआ उसके पास में वहाँ पे पुलिस के जो भी सिक्योरिटी के जवान थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे आके ये पलट गया एंड अनफॉर्चुनेटली कि किसी को भी कोई इंजरी नहीं आई है, ना तो ट्रक वालों को कोई इंजरी आई है ना किसी बाकी लोगों को इंजरी आई है, तो एवरीथिंग इज सेफ, एवरीवन इज सेफ। तो अभी पुलिस द्वारा क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई है? हाँ, इस संदर्भ में हमें जो कंप्लेंट मिली थी कंप्लेंट के बिहार पे हमने जो सेक्शन 279, 337, 427 एंड 308 IPC इसमें मुकदमा रजिस्टर कर लिया, बाकी तफ्तीश जारी है, जो तफ्तीश में जो भी सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर एक्शन लेंगे। खैर एक घटना जानबूझ के हुई है या अनजाने दे विच इह तां फिलहाल जांच दा विषय है, पर जेकर केंद्र सरकार किसानां दी गल मन लवे तां किसान खुशी खुशी घर परतौण ते फिर उहनां नूं जान दा खतरा भी नहीं रहेगा। पठानकोट तों मुकेश सैनी दी रिपोर्ट, वर्ड पंजाबी TV।